नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। एचआर सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो एसएमई हो, चाहे एनबीएफसी हो, फाइनेंस बिजनेस हो, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एचआर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इग्नोर करने से पूरा ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ रुक सकता है। एचआर सिस्टम के 10 प्रॉब्लम बता रहा हूं जो कि स्मॉल बिजनेस या एनबीएफसी या कोई भी फाइनेंस बिजनेस में आजकल है। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी एचआर सिस्टम है ही नहीं। ऐसा मर्जी हो रहा है उसको वो रख ले रहे हैं, जो उनको अच्छा लगता है उसको रख रहे हैं, उसका कोई भी क्वालिफिकेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, ना तो उनके ज्वाइन करने का कोई सिस्टम है, ना जिम्मेदारी देने का सिस्टम है, ना ट्रेनिंग का सिस्टम है। सीधा अपनी मर्जी से डायरेक्ट रख दिया, मालिक डायरेक्ट डिसाइड करता है या फिर वो किसी पे ट्रस्ट करता है तो वो व्यक्ति डिसाइड करता है, लेकिन सिस्टम एज सच कुछ है ही नहीं। दूसरा प्रॉब्लम ये कि हायरार्की कोई है ही नहीं। कौन चेयरमैन है, उसके नीचे कितने वाइस चेयरमैन है, उसके अंदर में कौन लोग हैं, उसके अंदर में कौन से मैनेजर है, उसके अंदर में कौन से सुपरवाइजर है, उसके अंदर में कौन कौन से लोग हैं, ये पूरी जो हायरार्की होती है वो हायरार्की सिस्टम कोई है ही नहीं। इसके कारण पता नहीं चल पाता कि कौन सा व्यक्ति किसको रिपोर्ट करना चाहिए, और मिस रिपोर्टिंग होती है, मिस कम्युनिकेशन होता है, और पूरा केओस हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन पूरा क्लमजी बन जाता है, राइट। तीसरा प्रॉब्लम है कि हायरिंग का कोई पॉलिसी नहीं है, ना तो सोर्सिंग, कहां से जुगाड़ करोगे आप कैंडिडेट, उसका कोई पॉलिसी है ही नहीं। हायरिंग का पॉलिसी नहीं है, इसका मतलब ये कि हम लोग कभी रिक्वायरमेंट निकालते ही नहीं। मन हुआ चलो एक कंप्यूटर ऑपरेटर रख लेते हैं, बहुत दिन से प्रॉब्लम हो रही है, बिल नहीं निकल पा रहा है, ऐसा अपनी मर्जी से कोई भी पोस्ट निकाले, जवान से निकला वो पोस्ट बन गया, नहीं हुआ किसी ने बताया नहीं, तो फिर वैसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब हायरिंग करने के लिए कोई रिक्वायरमेंट सिस्टम नहीं है, ना कोई पॉलिसी है। और कैंडिडेट कहां से लाए, वैसा कौन कौन सा साइट या कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कौन से जरिए जिसके कारण हमारे पास सही कैंडिडेट आए, चाहे वो नौकरी करने के लिए आए या फिर हमारे पास इंटर्नशिप के लिए आए, वो भी नहीं होता है, जिसके कारण हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्टक हो जाता है। चौथा प्रॉब्लम ये है कि कोई जॉब प्रोफाइल पहले से बना हुआ नहीं रहता। आप देखिएगा उन लोगों ने जो सुना है वो रखा है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे फाइनेंस बिजनेस सिंपल है कि एक मैनेजर होता है, एक कैशियर हो जाता है, और एक बंदा लोन देता रहता है, एक मार्केट में चला जाता है। इस तरीके से चार पांच चीजें अपने मन से जो उनको लगा, मैनेजमेंट कभी सीखा नहीं, कभी कोई ट्रेनिंग लिया नहीं, और सीधा उन्होंने अपने हिसाब से आदमी रख दिया और उसको बता दिया, देख भाई ये कर लेना अगर तुमको समझ में आता है, और बहुत सोफिस्टिकेट रहा तो उसको बैठा के इसी बात को गंभीर रूप से समझाएंगे, आपका जिम्मेदारी बहुत है, आपको बहुत काम करना है, आप मैनेजर हो, आपको सब मैनेज करना है। अब वो जो सब क्या है वो अब नहीं बताएगा तो कैसे चलेगा, हाँ यस और नो। पांचवा चीज है कि जॉब डिस्क्रिप्शन है ही नहीं। जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं, इसका मतलब कौन क्या नौकरी करेगा वो ठीक है, उसके अंदर में कौन कौन से काम उसको करने पड़ेंगे, उसका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, चलो फ्रीक्वेंसी भी मत बताओ, कम से कम उसके सारे काम को क्लियरली लिखो तो सही। आजकल लोग पढ़े लिखे हैं, लोग बहुत ज्यादा समझदार है, उनके पास ऑप्शन है। अगर आज आप जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं दोगे और कल कोई नया काम करने बोलोगे और वो एडिशनल पैसे मांगेगा तो आप क्या बोलोगे, अरे भाई ये तो आपके काम में ही जुड़ा हुआ था, आपने कब बताया बाबू, नहीं बताया ना, तो फिर उसको कैसे पता चलेगा, तो जॉब डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, राइट। छठवां प्रॉब्लम ये कि स्किल गैप बहुत ज्यादा है। आपने रखा उसको कैशियर के लिए क्योंकि आपका साला था या साले का दोस्त था, आपकी बीवी ने बोला उसको रख दिया, आपके भाई ने बोला फलाने का दोस्त है उसको बेचारे को जरूरत है उसको रख लो। भाई ये धर्मशाला या धर्म खाता खोल के नहीं बैठे, यहाँ पे फाइनेंस का बिजनेस है, एक आदमी की गलती से पूरा धंधा डूब सकता है, किसी की बेईमानी के कारण लोगों का डिपॉजिट डूब जाता है, लोगों का फाइनेंस डूब जाता है, और कंपनी चले जाती है लॉस में। तो यहां पर स्किल गैप बहुत ज्यादा होता है। अब जिसको रख ली जिस काम के लिए, अब वो काम उसको आता नहीं है तो क्या करेगा, चापलूसी करेगा, जासूसी करेगा, आपस में बातचीत करेगा, और गलती हो जाएगी तो उसको छुपाएगा, और एक गलत कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में चालू हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, स्किल गैप के लिए स्किल का ट्रेनिंग देना पड़ेगा, मोटिवेशन, और उनको लगातार उनके काम के बारे में ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग देते रहना पड़ेगा। सातवां इंपॉर्टेंट बात है, लोगों को कैरियर प्रोग्रेशन प्लान अगर आप नहीं देते हो, आपका ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं टिकने वाला, क्योंकि आपने किसी को अकाउंटेंट में रखा, उसको मालूम है मैं मरूंगा भी अकाउंटेंट में, क्यों, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे पूरे लाला लोग बैठे हुए हैं, इन लोग सेठ जैसे आके बैठ जाते हैं और सीधा ये कर दिए कि नहीं, वो कर दिए कि नहीं, शाम तक नचाते रहते हैं, और या तो नहीं नचाते हैं तो सेठ लोग आपके विश्वास में रहते हैं और वो बंदा कोई काम करता नहीं, बोलता है साला यही तो नौकरी है, इतना ही तो पैसा मिलना है, इसके आगे तो कुछ होना ही नहीं है। इसका मतलब क्योंकि उसको मालूम है उसके लाइफ में कोई चेंज नहीं होने वाला, केवल हर साल भीख मांगने के बाद उसको दो पैसे बढ़ेंगे। इसका मतलब ये, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, कैरियर प्रोग्रेशन प्लान बनाना पड़ेगा, राइट। आठवां बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आज ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए वो है कंपनी का पॉजिटिव कल्चर बनना। पॉजिटिव वर्किंग कल्चर नहीं होता है,
वहां पर हर कोई एक दूसरे की बुराई कैसे करूं, मैं उसकी नौकरी कैसे खा जाऊं और मैं अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए दूसरे को छोटा कैसे करूं, या फिर अगर ये सारी चीजें न्यूट्रल भी है तो ग्राहक को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं दे रहे, मालिक आ रहा है तो किसी को कोई मतलब नहीं है, कल्चर कुछ है ही नहीं, ऐसा कल्चर अगर रहा तो गलत काम तो एम्प्लॉय कर ही रहा है क्योंकि उसने ट्रेनिंग के लिए कोई प्रोग्राम रखा ही नहीं, उनको कल्चर सिखाने का कोई सिस्टम रखा ही नहीं, उनको कल्चर फॉलो करना पड़ेगा ऐसा उसने बोला ही नहीं, तो गलती किसकी है आप खुद डिसाइड करो, राइट। नाइन्थ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि केआरए और केपीआई बताते नहीं। केआरए मतलब की रिजल्ट एरिया, कौन सा काम करोगे और सही तरीके से करोगे तो हम लोग मानेंगे कि आपका रिजल्ट है, कौन कौन से की इंपॉर्टेंट रिजल्ट एरिया है वो बताना पड़ेगा, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो बताना पड़ेगा। आप अगर एक्स वाई जेड काम इस तरीके से कर लोगे उसका रिजल्ट ऐसा आएगा तो आपका परफॉर्मेंस 10 out of 10 मानेंगे, अगर उससे कम आया तो 8 मानेंगे, 6 मानेंगे, 4 मानेंगे। ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन में रखना पड़ेगा और अपने सारे एम्प्लॉइज टीम मेंबर्स को बताना पड़ेगा। अगर आप नहीं बताते हो लंबे समय तक पढ़ा लिखा आदमी आपके साथ तो नहीं टिकेगा भाई। दसवां लास्ट इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता दूं, आप लोग जाग जाइए, आपको ऐसा लगता है कि मैं उसका पेट पाल रहा हूं सामने वाले का, भूल जाओ भैया, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप अकेले नहीं हो, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो उनको नौकरी देने के लिए बैठे हैं। नौकरी.com से लेके बहुत सारा job.com पड़ा हुआ है, monster.com पड़ा हुआ है, बहुत सारे मॉन्स्टर है दुनिया में जो आपको खा सकते हैं, उनके यहाँ पर अगर सही आदमी चला गया तो फिर आपका धंधा डूब सकता है या फिर धंधा नॉर्मल रहा तो बढ़ नहीं सकता। आप 1000, 2000, 5000 लिए गरीबों टाइप सोचोगे, आपका धंधा लाखों से करोड़ों से नीचे में रहेगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट बहुत जरूरी है, एचआर मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि इसमें आपको हमारी मदद चाहिए तो केवल एचआर डिपार्टमेंट सेटअप करने के लिए भी हमारी टीम 100% मदद करने वाली है और दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा मेरे साथ, आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।